फाइनली गाइस, मेरे जस्ट पीछे आप देखोगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको दिखेगी। आज का मौसम भी बहुत तगड़ा है गाइस। मेरे आगे नर्मदा रिवर है, मैं बहुत सुना है कि बहुत बड़े हैं इनके पैर के अंगूठे। कितने फ्लोर हो गया इधर? 45 अच्छा। और फाइनली मैं आ चुका हूँ व्यूइंग गैलरी में। वेलकम टू एकता नगर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आप देख सकते हो मैं एकता नगर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे ये ट्रेन है जिससे मैं अभी आया हूँ। और अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी थोड़ा सा यहाँ से दूर है, 8-1 किलोमीटर। सो अभी बस से चलते हैं। बस जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। फाइनली गाइस, मैं एक मेरे जस्ट पीछे आप देखोगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी। वो रही स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत सही जगह है। आज का मौसम भी बहुत तगड़ा है और शायद मेरे हिसाब से कल में बारिश हुई है। सो इधर का वेदर और खिल सा गया है। उस साइड में सरदार सरोवर डैम है, वो आपको दिख रहा होगा। और मौसम देखो गाइस कितना खुला हुआ है। और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत शानदार दिख रही है। हम थोड़ी बहुत फोटो खींच रहे हैं। इधर बैग अंदर अलाउड नहीं है तो बैग को इधर जमा करवा रहा हूँ। एंट्री हो चुकी है और उधर पीछे अपने पीछे अभी चेकिंग होके आ रहा हूँ मैं। गाइस, मेरे आगे नर्मदा रिवर है, उसका भी लुक बहुत शानदार लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ नर्मदा रिवर। वो सामने लिख रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये नर्मदा रिवर है भाई। अभी कुछ ज़्यादा कोई इतना खास पानी नहीं है, वैसे देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई। और अभी हमको उधर भी उस रास्ते जाना है, वो जो टेंट दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के, चेयर्स लगी हैं गाइस ये सामने, मतलब जो नाइट शो होता है रात को उसको देखने के लिए लगी हुई है पूरी। नीचे आके लग रहा है भाई कितना, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये 182 फीट ऊंची है और ये बनाई है L&T कंपनी ने। बहुत ऊंची है भाई, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। थोड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरण छू के आते हैं भाई। मैं बहुत सुना है कि बहुत बड़े हैं इनके पैर के अंगूठे और वो सब। सो अभी चलते हैं। और भाई देखने में भी बहुत खतरनाक फील आ रही है भाई साहब, क्या इनके पैर है भाई, बहुत विशाल मूर्ति इनकी।
और ये उनका चप्पल, कुछ टीन का लग रहा है, आवाज आ रही है। और ये कुछ इतना बड़ा चप्पल है इनका, और इनका ये पैर की अंगुलियां देखो गाइस कितनी बड़ी है भाई। और ये जो मेटल है ये कॉपर है, पूरा कॉपर का बना हुआ है ये भाई साहब, बहुत तगड़ा है। अभी ऊपर घूम लिया है अपन ने, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो गैलरी है जो इनके चेस्ट में है, वो गैलरी व्यूइंग गैलरी ऊपर से आपको दिखाता हूँ कैसे क्या लगता है आपको। और अभी नीचे उतर के हमको ग्राउंड फ्लोर से जाना पड़ेगा ऊपर लिफ्ट में। जो गाइस मेरे को जो 380 के अपन को टिकट पड़ी है, तो अपन व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हैं उनके चेस्ट तक। तो अभी देख के आते हैं ऊपर का कैसे क्या रहता है, इसके अंदर चलते हैं। ये एंट्री, कुछ इधर की हिस्ट्री के बारे में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, और फीडबैक बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द वेन्यू ऑफ इनॉग्रेशन ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2018। अबे ऊपर चलते हैं। और कितने फ्लोर हो गया इधर हमें? 45 फ्लोर पे जाओगे चेस्ट। अच्छा, पूरी ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये आ गया। और भाई साहब, और फाइनली मैं आ चुका हूँ व्यूइंग गैलरी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चेस्ट लेवल पे। उनके बहुत सारे ऐसे विस्तृत जय थे जो देश के अमूल्य लिए अच्छे रहे, इसलिए उनका यादगिरी में प्रतिमा बनाई है। ये पूरा कॉपर से बना हुआ है, पूरा कॉपर का ही है भाई, बहुत हार्ड है, सॉलिड है। और वो जो दिख रहा है वो सरदार वल्लभ भाई जी के जैकेट का बटन है, कितना बड़ा है, 3 फीट का बटन है, वो पूरा लोहे से बना हुआ है। और गाइज मेरे को डर लग रहा है क्योंकि हम 45th फ्लोर पे हैं और ये पूरा पूरा ऐसे ही लोहे से बना हुआ है। ये पीछे भी अपन को व्यूइंग गैलरी दिखती है जो पूरा रास्ते को अपने को बताती है, और वो बस आपको दिख रही होगी, उसी बस से हम आए हैं और घूम लिया गाइज। अभी चलते हैं नीचे, और गाइस अभी लिफ्ट से नीचे आए ना तो अचानक से मतलब बहुत स्पीड से चलती है, और 45th फ्लोर से नीचे आए तो जैसे ही नीचे आते हैं वैसे कान में थोड़ा बहुत एयर प्रेशर टाइप कुछ होता है, तो उससे थोड़ा हल्का हल्का फीलिंग हो रही थी। इस पोस्टर में गाइस अपन को सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में बताया गया है, ये गैलरी बना रखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। सरदार पटेल સરદાર પટેલ પોતે સ્વતંત્રતાના સંઘર્ષ દરમિયાન 6 વાર જેલમાં ગયા હતા। 15 જૂન 1947 ના રોજ તેઓ જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ગાઈઝ અભી અપન યે જો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હે ઉનકે જો તીસરે ઓર દૂસરે બટન કે બીચ મે જો દિખ રહા હે ગેપ ઉસમે હમ જાકે હે અભી વિઝિટ કરકે આયે હે। गाइज मैं विजिट करके आ चुका हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉग में। आज का मैंने वेदर इधर देखा था तो मेरे हिसाब से कल इधर बारिश हुई थी, तो उसके कारण इधर का आज का वेदर भी बहुत क्लियर था। और जैसे अभी आप देख ही रहे हो मौसम एकदम साफ है, और इस मूर्ति कितनी शानदार लग रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब ऐसे लेटेस्ट न्यू वीडियो देखने के लिए।
क्राफ्टिंग रिवर है गाइस, ये पूरा पानी बह के जा रहा है।